नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASP टेक्निकल सर जी में स्वागत। दोस्तों, तो जो लोग भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, आज हम बात करने वाले हैं IIT कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हों चाहे लड़कियां, उनको NCC के बारे में। NCC कैसे मिलेगा, NCC का फायदा क्या है, ठीक है दोस्तों, आज हम इस बातों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, NCC जो भी लोग करना चाहते हो, वो पहले अपना रनिंग अच्छा रखें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि NCC के लिए रनिंग बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप सबको तो पता होगा कि आर्मी पुलिस में होता है ना कि दौड़ बहुत जरूरी होता है। दौड़ अच्छा मतलब तो कि एग्जाम अगर निकल भी आता है तो भी आपको दौड़ में निकलना पड़ता है। तो जस्ट उसी तरीके से NCC भी है। NCC में लड़कों लड़कियाँ जो भर्ती की जाती है तो इसी के थ्रू किया जाता है। मतलब इसमें दौड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपका एग्जाम क्या होगा कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। जो एग्जाम्स होती है उसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो UP बोर्ड चाहे CBSE किसी बोर्ड्स को हो, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपका रहता है। तो आपका इसमें एग्जाम होता है, तो MCQ जो एग्जाम होगा उसमें आपको सिर्फ जो सही होगा, पता आपको जैसे कि आप लोग एग्जाम दिए होंगे IIT का, तो इसी तरीके से था, तो जस्ट सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है। आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें करना होगा। और कुछ क्या होता है कि इसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पुट अप आपको आंसर भी भरने होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिल इन ब्लैंक्स टाइप के रहेंगे, उसमें आपको भरना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे हैं। जैसे पूछ देते हैं कि इंडिया का राजधानी क्या है, मतलब इस तरीके से इंडिया का राजधानी क्या है, तो आगे आपको फिर फिल इन ब्लैंक्स दिया रहेगा, आपको भरना पड़ेगा वहाँ पर कि क्या राजधानी। तो इस तरीके भी क्वेश्चन उसमें रहते हैं कुछ, बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं, और कुछ उसमें जो रिटन टाइप क्वेश्चन होते हैं। यदि आप ये आप निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आपका जो GK जनरल नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन सारे के सारे पूछे आते हैं इसमें NCC में। तो कुछ ही क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि NCC जुड़े होते हैं क्वेश्चन उसमें, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल नॉलेज के ही चीज़ें होती है उसमें जो आपसे पूछे आएंगे। और आपको बता दें दोस्तों, एग्जाम देते हैं NCC का, तो आपको कॉलेज में ही एग्जाम होता है। तो जब आप एग्जाम इसका देंगे आप, तो आप ये घबराइएगा नहीं कि मेरा हुआ नहीं। इसमें देखिए तीन लिस्ट में आता है नाम। पहले लिस्ट में आएगा जो सबसे अच्छे, जो सबसे ऊपर रैंक में लड़के रहेंगे उनका नाम आएगा। सेकेंड लिस्ट में आएगा जो उससे नीचे हैं उनका आएगा। थर्ड में आएगा जो मतलब एकदम एक एवरेज है, जो NCC करना योग्य है बस उनका नाम आता है। तो मतलब घबराए नहीं, जो लोग भी होते इस चीज़ के इच्छुक है वो जरूर करें। दोस्तों देखिए, इसके मैं फ़ायदा भी आपको बताने वाला हूँ कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। खैर मैं पहले अभी चलिए थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि मतलब इसको कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका क्या होता है कि इसमें अगर आप हो जाता है एग्जाम निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको दोस्तों इसमें रनिंग किया जाता है। और रनिंग में बता दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से रनिंग करवाया जाता है यहाँ पर। आप हाँफते रहेंगे, आप चाहे कि रुक जाए आराम करें, नहीं नहीं करने देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग क्या है कि दोस्तों कि रनिंग अपना अच्छा रखिए। रनिंग इसमें बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इसका, NCC में हो चाहे आर्मी में हो चाहे पुलिस में हो चाहे किसी म्यूजिक विभागों में, क्या कि रनिंग बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। क्या कि दोस्तों जब आपका एग्जाम निकल जाता है उसके बाद जब रनिंग करवाएंगे तो पता है पीछे से डंडा लेके दौड़ते हैं। जो आप कोई सीनियर सुपर सीनियर ही होते हैं आपके, वो जो आपका एग्जाम करवाते हैं पूरा वही सुपर सीनियर सीनियर ही रहते देखते हैं, वही सब कुछ इंटरव्यू के टाइम भी वही सब रहते हैं। इसमें होता है क्या दोस्तों, आपको डंडा लेके पीछे दौड़ाएंगे, यदि आप रुकते हैं तो आपको डंडा पीछे से पड़ेगी। और ये जान जाइए कि मौत बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, तो थोड़ी सी भी उनके अंदर माया नहीं होती। जिससे कह सकते हैं ना कि आर्मी का भर्ती होती है आप जो देखे होंगे, जस्ट उसी तरीके से उनको भी ट्रेंड किया जाता है कि कोई भी अगर रुकता है हाँपता है कुछ भी हो, मतलब नहीं रुकना नहीं हाँपना नहीं है, आप आगे बढ़ते रहना। अगर रुके अगर हाँपे आप तो पक्का डंडा पड़ेगी आपको। तो ये इससे अच्छा है कि आप लोग चलते रहें दौड़ते रहें। और इसमें क्या है कि देखिए एक समय फिर ऐसा आता है कि आपका दौड़ और भी हो जाता है, सब कुछ करा लेते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है मैं बता दूं, NCC की जो क्लास चलती है, जो उसकी टाइमिंग होती है वो भी बहुत बुरी होती है। पहली बात तो ये आपको एकदम मॉर्निंग बुला लेंगे, एकदम सुबह सुबह बुला लेंगे, 5-7 4:30-5 बुला लेंगे आपको। अब आप भैया खाना खाए हो चाहे ना खाए हो, मेस में बना कुछ बना नहीं बना, भाग कराना पड़ेगा NCC में। और दूसरी चीज़, शाम को क्लास से छूटते आपका NCC क्लास शुरू होता है। कॉलेज से जो क्लास आपकी है वो छूटा नहीं है आपका, NCC फिर क्लास शुरू हो जाता है, उसके बाद भी 1.5 घंटे क्लास चलता है आपका। आप ये समझ सकते हैं मतलब दिन भर खाए हो चाहे ना खाए हो,
बट एनसीसी के क्लास आपको अटेम्प्ट करनी है, नहीं जिसका पनिशमेंट पता है आपको बहुत बुरा तरीके पनिशमेंट करते हैं भैया। हम लोग तो किए थे, हमें तो पता है यार ऐसा मतलब हो गया था। हम लोग मतलब एनसीसी में नहीं गए थे, दो तीन दिन क्लास करने नहीं जा रहे थे, तो सीधे क्लास में आकर के मतलब निकाल के बाहर लाए, फिर बाहर ला कर एनसीसी ग्राउंड में लेकर आए, ऐसे पनिशमेंट दी और ऐसा पनिशमेंट दी हमको आज तक याद है। भैया आप लोग ऐसा गलती ना करें। हाँ ये जो भी वो कराते हैं वो तो अच्छा आपके लिए, मतलब सेहत के लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन बट यही है कि थोड़ा सा सुबह टाइम जो बुला लेते हैं खा नहीं पाते हैं लड़के, उनके लिए दिक्कत होती है, और शाम को टाइम क्या होता है वो भी नहीं खा पाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप लोग को हम बताने वाले हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि कैंप जाता है। फर्स्ट ईयर में तो कैंप कोई नहीं जाता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कैंप आपका जाएगा, और कैंप में आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कैंप जो जाता है आप लोग को, इसमें कैंप में क्या क्या कराया जाता है, क्यों कैंप में जाता है। देखिए दोस्तों कैंप में क्या होता है कि आप लोग कैंप में ले जाएंगे तो आपको चीज़ें सिखाते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस, मतलब खुद को बचाव कैसे करें, ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए आपको मतलब बुलाया भी जाता है, जैसे कि बाढ़ और कभी कहीं आ जाता है तो उसके लिए कहीं बुलाया जाता है, तो कभी कहीं दंगा हो गया तो उसके लिए कब पड़ाते हैं तो सैनिक मतलब बुलाया जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मतलब वो तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर नहीं कैंप जाए कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर कैंप जाता भी नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको कैंप में भाग लेना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे गन्स के बारे में बताया जाता है, गन्स चलाना सिखाया जाता है, तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों वहाँ पर। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके फायदे के बारे में, किसका फायदा क्या है। देखिए दोस्तों इसका फायदा तो बहुत है, जब इतना कराया जा रहा है आपसे, मेहनत और कराया जाता है उसका फायदा भी देखिए दोस्तों कहा था ना, मतलब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। तो बस वही चीज़ है, एनसीसी में भी इतना मेहनत कराया था, उसका फायदा भी बहुत बड़ा है दोस्तों। हम लोग थे दोस्तों मतलब बहुत मेहनत किए थे और मतलब मज़ा भी आता है दोस्तों, एनसीसी बहुत मज़ा आएगा। आप लोग जो लोग ज्वाइन किए हों, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो तो बहुत मज़ा आएगा उनको, तो करके देखिएगा आप लोग, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा मेहनत तो होता है लेकिन मज़ा बहुत आता है। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, देखिए आपने एनसीसी कर लिया ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ दोस्तों। इसमें क्या है कि दोस्तों जब आपका ये एनसीसी आपका 3 साल इसका हो जाता है, तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, एनसीसी का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका ग्रेड वाइज एग्ज़ाम होता है, मतलब जो आपका रिजल्ट होगा वो ग्रेड में होगा। मतलब जैसे आपको होता है ना 7% बना, 70% बना, 80% रिजल्ट बना, तो जस्ट उसी तरीके से ग्रेड वाइज आपका रिजल्ट बनता है इसमें। तो आप कितने ग्रेड पाते हो तो आपके ऊपर है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी उतने ग्रेड आप पाते हैं, और उसी ग्रेड से आपको मतलब आगे जाके बेनिफिट होने वाला, फायदा होने वाला है उसी ग्रेड से। तो दोस्तों देखिए जब यदि कोई भी कंपनी आती है, चाहे कोई भी कंपनी, कोई का ब्रांच का लड़का हो ठीक है, चाहे हिंडाल्को, चाहे मारुति सुजुकी, चाहे कोई मतलब कंपनी महिंद्रा, कोई भी आया कंपनी, तो प्लेसमेंट के लिए जब आपको आती है तो कैंप प्लेसमेंट में आपका ये बहुत बड़ा योगदान होता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का। और कंपनी आती है आपका इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स वाले जो लड़के हैं सबसे पहले वो आगे आते हैं, क्योंकि उनको कंपनी को पता है भैया ये लड़के जो हैं एनसीसी की है, मतलब इनके अंदर कुछ योग्यता है, और वो ऐसी योग्यता है जो सब लड़कों के अंदर नहीं होगी, नहीं तो सब लोग एनसीसी नहीं करते हैं, सब लोग एनसीसी में क्वालिफाई नहीं हुए थे, समझ रहे हैं। तो कंपनी उन लड़कों को सबसे पहले चुनती है, और उनका सबसे ऊपर प्लेसमेंट भी होता है, सबसे ज़्यादा पैसे में प्लेसमेंट भी उनका होता है। तो दोस्तों देखिए ये कंपनी के लिए था, मतलब दोस्तों मतलब कंपनी में इतना अच्छा मतलब आपको फायदा मिल सकता है, चाहे कोई भी ब्रांच का हो, कोई सी कंपनी हो, पहले एनसीसी वाले को चुनेगी, क्योंकि एनसीसी वाले के अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी ऊर्जा होती है, जो लोग कर रहे होंगे जो करेंगे उनको तो खुद मालूम चल जाएगा। और एनसीसी के बाद मैं थोड़ा सा बाहर की बात करता हूँ, तो जैसे कि सरकारी जॉब में भी इसका बहुत बेनिफिट्स है। जैसे कोई सी भी सरकारी वैकेंसी आती है उसमें होता है, मतलब लिखा होता है आपको, मतलब कि ये चीज़ अगर आप एनसीसी के सर्टिफिकेट्स आपके हैं या तो कोई और सभी सर्टिफिकेट्स मतलब मांगा जाता है, तो उसमें छूट मिलता है, खासतौर से आर्मी में, पुलिस में, इन सब में, और नेवी में भी, इन सब में तो बहुत ही अच्छा छूट रहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, जो एनसीसी किए रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा छूट होता है, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो दोस्तों ये था एनसीसी के बारे में,
एनसीसी से जुड़ी जानकारियाँ और एनसीसी के फायदे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग भी एनसीसी करना चाहते हैं खुल के एनसीसी करें और इसका मजा लें। मजा 3 साल में दोस्तों क्या है कि कॉलेज में नहीं जितना पाएंगे उतना आप एनसीसी में करते करते पा जाएंगे। आप सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आता है दोस्तों। थोड़ी सा वर्क हार्ड तो करवाते हैं जरूर, लेकिन मेहनत के साथ साथ मजा बहुत आता है। जो कॉलेज लाइफ में नहीं मजा पा पाएंगे एनसीसी में आके आप मजा पा पाएंगे। तो भैया मजा लेना है थोड़ा सा, तो कॉलेज के साथ साथ आप एनसीसी ज्वाइन करके देखो, खूब मजा पाओगे आप लोग और आपको इसका फायदा भी बहुत होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स दोस्तों। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो कमेंट करिएगा, और जो भी नए हो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम हमेशा आप लोग के लिए डालते रहेंगे। तो आप लोग को हमेशा हमारी वीडियो सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ये लाइक एंड जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।